मेरा नाम परिवर्तन है, लेकिन मेरा नाम जो लोग मुझे पीपल बाबा के नाम से जानते हैं। और ये पीपल बाबा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में पिछले 39 ईयर्स में, मैं बचपन से 10 साल की उम्र से पीपल के वृक्ष लगा रहा हूँ। और मैंने भारतवर्ष में केरला स्टेट को छोड़ के बाकी कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैंने 1 करोड़ से ज़्यादा पीपल के वृक्ष लगाए हैं। और मैं पर्यावरण से बहुत नज़दीकी से जुड़ा हूँ क्योंकि रोज़ मैं पीपल के वृक्ष लगाता हूँ और उनकी उनकी टेक केयर करता हूँ, तो इसलिए मुझे लोग पीपल बाबा के नाम से जानते हैं। और आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है। अरे अच्छा, तो फिर आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे उस चीज़ के बारे में जो आप यमुना जी का कर रहे हैं? कैसे आप अच्छा नॉर्मल बताना चाहिए, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, वो तो आप अपने आप करें। अच्छा, इसमें अभी यहाँ जो मुद्दा है, जो यमुना जी का बीच में मुद्दा आया है, मैं समझता हूँ ये एक बहुत सीक्रेट स्पेस है और मैं इसको कंट्रोवर्सी ना समझ के एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। और ये अपॉर्चुनिटी ये है कि इस जगह की सफाई होनी बहुत ज़रूरी थी, और आप जैसे भी इस चीज़ को लेना चाहें, एक बहुत सुंदर घटना घटी है कि पिछले 1 महीने में यहाँ पर बहुत सारी सफाई हुई है। और इस सफाई होने के कारण यहाँ पे जितना भी मलबा था और जितनी भी यहाँ गंदगी थी, एक बार तो साफ़ हो गई है। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर हम इस चीज़ को यहीं छोड़ देंगे, जैसे कि अगर 13 तारीख को ये 13th को इवेंट ख़त्म होता है और हम इसको यहीं छोड़ देंगे, तो ये दोबारा इनक्रोचमेंट हो जाएगी, दोबारा यहाँ पे बहुत गंद फैल जाएगा। इसको इस चीज़ को काउंटर करने के लिए मैं समझता हूँ कि हमने आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत ही सीनियर लोगों से बात करी है इस चीज़ के बारे में और सब लोग इस चीज़ से सहमत हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बने, और गुरुजी भी इस चीज़ के हक में हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो स्टेट गवर्नमेंट है, इस चीज़ में वो इस चीज़ को समझें, इस रिक्वेस्ट को इनकी तरफ से, आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से इस चीज़ को, इस एक प्रपोज़ल आना चाहिए कि ये पूरा जो एरिया है, तकरीबन यहाँ पर 200 एकड़ की ज़मीन है, ये बायोडाइवर्सिटी पार्क बने। बायोडाइवर्सिटी पार्क बनने से क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी पार्क बनने से यहाँ इंक्रोचमेंट हट जाएगी, बायोडाइवर्सिटी पार्क बनने से यहाँ नेचुरल ग्रासेस वापस आ जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी पार्क बनने से यहाँ नेटिव ट्रीज लगाई जाएंगी, यहाँ पे जितने भी आपकी बर्ड वैराइटीज़ हैं वो सारी वापस आ जाएंगी, यहाँ पे बर्ड सेंचुरी बहुत आराम से बन सकती है क्योंकि यहाँ पानी का स्रोत है और बगल में ही ओखला बर्ड सेंचुरी है, तो वहाँ से भी बर्ड्स बहुत आएंगे यहाँ पे। और ये एरिया बहुत ही स्ट्रेटिजिक है, ये पूरा निज़ामुद्दीन ब्रिज से लेके DND तक का एरिया, ये 200 एकड़ का बहुत ही सुंदर एरिया है। और ईस्ट दिल्ली में कोई भी बायोडाइवर्सिटी पार्क नहीं है, कोई भी अच्छी ग्रीन जोन नहीं है, तो ये पूरी ईस्ट दिल्ली के लिए एक लंग्स की तरह काम करेगा, ये ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा सोर्स बनेगा और यहाँ की जितनी भी पोल्यूशन है वो सारी अब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे कम से कम मेरे अनुमान से, क्योंकि मैं खुद पेड़ लगाता हूँ और इसमें मुझे लगता है कि कम से कम 3.5-4 लाख पेड़ लगाए जा सकते हैं यहाँ पे। और जो विलुप्त हो गई हैं, जो प्रजातियाँ हमारी नेटिव ट्रीज़ की, बहुत रेयर स्पीशीज़ है ट्रीज़ की, वो यहाँ पे दोबारा लगाई जा सकती हैं। और इस चीज़ को जो हमारा बायोडाइवर्सिटी फाउंडेशन है, जो DDA के अंडर आता है, उनको हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि दे शुड टेक ओवर, बिकॉज दे आर द बेस्ट पीपल, दे आर द, इट इज़ अ टीम ऑफ साइंटिस्ट, उन्होंने सारी जिंदगी पर्यावरण पे काम किया है एंड दे आर द बेस्ट ब्रेन्स इन द कंट्री टू हैंडल सच अ टास्क ओवर हियर ऑन द यमुना रिवर बेल्ट। और यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क बना है, अभी रिसेंटली बना है, बहुत बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा है। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क बना है, बहुत अच्छा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा है। इसी तरह से अगर इस ज़मीन को हम, इसकी अहमियत समझते हुए इसको बायोडाइवर्सिटी पार्क घोषित किया जाए और इसके ऊपर काम किया जाए, मेरे ख्याल से ये जो पूरी बात चल रही है कि यहाँ पे सफाई हुई है, यहाँ पे फ्लैट हो गया है, फ्लड प्लेन्स, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि इसको वी टर्न इट इनटू अ ब्यूटीफुल बायोडाइवर्सिटी पार्क।